आखिरकार अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को अदालत ने उसके किए की सजा दे ही दी। एक ऐतिहासिक निर्णय में बिल्डर प्रदीप जैन हत्या मामले में माफिया डॉन को मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने ताउम्र जेल की सजा सुनाई। लोगों में खौफ पैदा करना, फिरौती मांगना और मांग ना पूरी होने पर हत्या कर देना, ऐसे गुनाहों की जिंदगी जीने वाले अबू सलेम के किए का परिणाम है कि हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के अपराधों के लिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दाऊद इब्राहिम के करीबी गुर्गे अबू सलेम और मेहंदी हसन, इन दोनों को प्रदीप जैन की हत्या के साजिश में कोर्ट ने दोषी पाया और उन्हें दोनों को आजीवन कारावास की सजा फरमाई है। 7 मार्च 1995 को हमलावरों ने बिल्डर प्रदीप जैन की उनके जुहू स्थित बंगले के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। अबू सलेम को 2002 में इंटरपोल ने गिरफ्तार किया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर उसे भारत लाया गया था। ये पहला ऐसा मामला है जिसमें उसे सजा सुनाई गई है। उसे 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट मामले में भी दोषी ठहराया गया है। अदालत ने सलेम के ड्राइवर मेहंदी हसन को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी वीरेंद्र झाम की सजा का निपटान मामले की जांच के दौरान उसके द्वारा जेल में बिताई अवधि के आधार पर कर दिया गया। हालांकि प्रत्यर्पण संधि के कारण उसे मौत की सजा या 25 साल से अधिक की सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन अदालत ने उसे प्राकृतिक मृत्यु तक उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के पास अब उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाने का ही विकल्प बाकी है। न्यूज़ 9 डेस्क, DD न्यूज़।